हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिस्टर। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है। ब्लाउज की चौड़ाई जो 10.5 इंच है। शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है। आर्म होल की लंबाई 5.5 है। 2.5 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर लेते हैं। नीचे के साइड से 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देंगे। अब दोनों मार्क को बराबर करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब गले की लंबाई लेंगे तो गले की लंबाई 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से बिल्कुल मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की डिज़ाइन का मार्किंग करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए मैं कैसे करूँ डिज़ाइन का मार्क, कैसे कर दीजिएगा। तो मटका सेप में गले की मार्किंग कर दी है। सेम देखिए कटिंग कर रहे हैं मार्क के ऊपर से। तो गले की कटिंग मैंने कर दिया। इसके साथ में ब्लाउज़ का कपड़ा ले लेंगे और इसके भी गले की सेम कटिंग कर देंगे इसी तरीके से। तो मैंने गले की कटिंग दोनों का कर दिया। बराबर में फैला देंगे और एक सिलाई लगाते हुए गले की पूरी अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर देंगे। तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं गले की स्टिचिंग कैसे करें। इस तरीके से बराबर करते हुए गले को स्टिच कर दीजिएगा। तो मैंने गले को स्टिच कर दिया। अब गले पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। इससे जब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन सेम इसी तरीके से आएगी जैसे हमने कट करके बनाया हुआ है। तो मैंने कट लगा दिया। अब गले को पलट कर सीधा कर देंगे। एक सिलाई लगाते हुए गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग देंगे। तो आप वीडियो में देखिए मैं फिनिशिंग की स्टिचिंग कैसे कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो मैंने गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग अच्छे से कर दिया है। ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देख लीजिए मैंने ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया। नीचे के साइड से ब्लाउज में टक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो अच्छे से माप लेते हुए दोनों साइड से बराबर में टक्स को स्टिच कर देंगे। तो मैंने देखे दोनों साइड से बराबर टक्स को स्टिच कर दिया। नीचे के साइड फैब्रिक स्टिच करेंगे। तो मैंने ये अस्तर की पट्टी कट कर दी। इसको ब्लाउज के साथ में बराबर रखते हुए देखिए नीचे के साइड से स्टिच करें, ऐसे कर दीजिएगा। अब पट्टी मेरी स्टिच हो चुकी है। इसको बराबर करके फैला देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग की स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिया। ब्लाउज की जो पट्टी ज्वाइंट की इसको डबल फोल्ड करके देखिए ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते हुए नीचे का बॉर्डर बना रहे से बना दीजिएगा बॉर्डर। तो मैंने बॉर्डर एक अच्छे से पूरा ब्लाउज का बना दिया। मेरे ब्लाउज का बॉर्डर बिल्कुल कंप्लीट है। ब्लाउज भी मेरा स्टिच हो चुका है। इस पर डिज़ाइन करेंगे तो ब्लाउज साइड करेंगे। देख लीजिए पाइपन बनाने के लिए मैंने एक पट्टी कट कर दी। स्ट्रेचबल है, क्रॉस में कटिंग किया था। इसको देखिए डबल फोल्ड करके स्टिच करें, इसे पाइपन बनाने में आसानी रहेगी। तो पाइपन की पट्टी कंप्लीट है। इसको साइड करके ब्लाउज ले लिए। ब्लाउज के गले पे पट्टी को बराबर रखते हुए स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं पाइपन वाली पट्टी को कैसे गले पर स्टिच करूँ। इस तरीके से बराबर में स्टिच कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए पाइपन की पट्टी को पूरा अच्छे से स्टिच कर दिया। अब इसको राउंड करते हुए पतली सी पाइपन बनाएंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं पाइपन की। तो मैंने देखिए पाइपन अच्छे से पूरा ब्लाउज के गले बनाते हुए स्टिच कर दिया है। इस तरीके से बना दीजिएगा। अब डिज़ाइन करना है गले पे, तो डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो देख लीजिए मैं थोड़ा पाइपन से थोड़ी सी दूरी रखते हुए मार्किंग कर रही हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा गैपिंग रखते हुए मार्क कर दीजिएगा पूरे गले पे। तो ये मार्किंग हो चुकी, इस पर डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने कुछ फैब्रिक कट कर दी स्क्वायर में, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। अब इसको देखिए 4 पार्ट में फोल्ड करेंगे क्रॉसिंग में और डिज़ाइन को स्टिच करेंगे मार्किंग के ऊपर रखते हुए। इस तरीके से आप पूरा डिज़ाइन को बनाते हुए गले पे स्टिच कर दीजिएगा। तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं डिज़ाइन को कैसे स्टिच करूँ गले पे। ऐसे ही पूरा गले पे हम स्टिच करेंगे सेम मार्किंग के ऊपर जैसे मार्क किए हुए हैं। तो मैंने देखिए पूरा मार्किंग के ऊपर से डिज़ाइन रखते हुए स्टिच कर दिया। अब इसको डेकोरेट करना है गले को। तो डेकोरेशन के लिए लेस लेंगे। लेस को बिल्कुल बराबर जहाँ से हमने डिज़ाइन स्टिच किया वहीं से लेस रखते हुए पूरा स्टिच कर देंगे। तो
तो गले पे पूरा लेस स्टिच हो चुका है। अब इस पे डिजाइन करेंगे गले के अंदर, तो ब्लाउज को साइड कर देते हैं और डिजाइन आपको दिखाएंगे। तो ये जो गले में से कट होने के बाद अस्तर निकला था, उसके ऊपर देखिए मार्किंग कर रहे हैं, इस तरीके से मार्क कर दीजिएगा। तो मैंने मार्किंग कर दी, अब कटिंग कर देंगे। जैसे मार्किंग किए थे देखिए, सेम कटिंग कर दिए हैं। अब डिज़ाइन बनाने के लिए बकरम ले लिए, बकरम को डबल फोल्ड करके रखने के बाद डिज़ाइन को उसके ऊपर रख दिए। दोनों साइड से मार्किंग कर देंगे और दोनों साइड से एक एक इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा स्टिचिंग के लिए हमें जो यूज़ करना है। तो मैंने ये मार्किंग कर दिया, मार्क के ऊपर से दोनों साइड से इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको डिज़ाइन को बनाने के लिए फैब्रिक यूज़ करना है, तो देखिए ब्लाउज़ का और अस्तर का दोनों का फैब्रिक लेंगे और इस तरीके से रख देंगे। इसके ऊपर ये बकरम का डिज़ाइन रखेंगे और पहले दोनों साइड से स्टिच करेंगे डिज़ाइन को। तो ऊपर की साइड से पहले स्टिच कर दीजिएगा तो नीचे के साइड डिज़ाइन में स्टिच करने में इजी रहेगा। अब नीचे के साइड से दोनों साइड से देखिए स्टिच करेंगे, इस तरीके से कर दीजिएगा। तो मैंने स्टिचिंग कर दिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कट करके निकाल दीजिएगा। तो निकाल दिया, अब छोटे छोटे कट लगा देंगे साइड से इसके पूरा, और जितना भी कॉर्नर हो कॉर्नर में अच्छे से कट लगा लीजिएगा। तो मैं देखिए पूरा कट लगा रही हूँ, छोटे छोटे ऐसे लगा दीजिएगा। इसे पलट कर सीधा करने पे डिज़ाइन सेम ऐसी ही आ जाएगी। अब इसको पलट कर सीधा करना है, तो दोनों साइड का जो ये डिज़ाइन है पहले हम इसको पलट कर सीधा करेंगे। तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं किसी चीज़ से इसको प्रेस करते हुए पलट कर सीधा कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। अब इसको अच्छे से सीधा करके हाथों से थोड़ा प्रेस कर देंगे तो ये बराबर में आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं, इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं वीडियो में फिनिशिंग की स्टिचिंग कैसे कर रही हूँ, इसकी ऐसे ही दोनों साइड से कर देंगे इसकी पूरा फिनिशिंग की स्टिचिंग। तो मैंने अच्छे से फिनिशिंग की स्टिचिंग इसकी कर दिया। इसको डिज़ाइन को बनाना है तो इसको साइड करके कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट कर दी, जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों मैंने 2.7 इंच रखा है। अब इसको देखिए 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करेंगे और नीचे के साइड से सिलाई लगाते हुए स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हम सभी डिज़ाइन को बना लेंगे, जितनी भी डिज़ाइन यूज़ करना है ब्लाउज़ में। तो मैंने ये पूरा अच्छे से डिज़ाइन बना लिया, इसको कट करके अलग अलग कर देंगे। अब एक एक करके डिज़ाइन को स्टिच करेंगे अलग अलग कलर का। तो अब देख लीजिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ डिज़ाइन को, इस तरीके से रखते हुए डिज़ाइन को पूरा स्टिच कर दीजिएगा एक साथ में। तो जैसे मैं ये डिज़ाइन आपको बनाकर दिखा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से आप पूरा बना लीजिएगा। तो मैंने ये देखिए पूरा डिज़ाइन अच्छे से बना दिया। अब जो डिज़ाइन हमने ये बनाया हुआ था इसके देखिए बिल्कुल मिड से रखते हुए यहाँ से देखिए सिलाई लगाते हुए स्टिचिंग कर दी है। अब इसको डेकोरेट करना है तो लेस लेंगे और साइड से बिल्कुल लेस को रखते हुए कॉर्नर से पूरा हम स्टिच करेंगे ऊपर के साइड से। तो आप देख रहे हैं मैं लेस की स्टिचिंग कैसे कर रही हूँ, यहाँ से इस तरीके से कॉर्नर में अच्छे से फोल्ड करके स्टिच कर दीजिएगा। अब नीचे के साइड से भी दोनों साइड से लेस को स्टिच करेंगे कॉर्नर से रखते हुए बराबर में। तो जैसे मैं ये लेस स्टिच करके दिखा रही हूँ दूसरे साइड भी करेंगे। तो दोनों साइड से देखिए मैंने लेस लगा दिया। ब्लाउज़ लेंगे, ब्लाउज के डिज़ाइन को देखिए बराबर रख दिया गले के अंदर से। अब इसको सिलाई लगा के पूरा ब्लाउज के साथ में स्टिच कर दीजिएगा। तो जैसे मैं स्टिच करके दिखा रही हूँ हमको समझ में आया होगा, इसे स्टिच कर लीजिएगा। अब इसको थोड़ा डेकोरेट कर देंगे। तो आप मोती लगा के डेकोरेट कर सकते हैं, मैंने ये 100 बटन लगा के डेकोरेट कर दिया। मेरा ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी डिज़ाइन तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन, जो ऐसे ब्यूटीफुल और सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।